देखिए कौन कहेगा कि आप इस तरह की असत्य बातें करें, झूठी बातें करें, मर्यादाओं को भी ना रखें। ये पहली बार नहीं हुआ राहुल जी से। 2019 के मामले में तो उनको सजा सुनाई गई है, इसके पहले भी वो माफी मांग चुके हैं, उन्होंने कई विवादित बयान दिए हैं। झाबुआ में भी उन्होंने बयान दिया था, एक उस पर भी अभी कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। मैं हमेशा कहता हूं कि वो गैर जिम्मेदार है, वो अपरिपक्व है, और अपरिपक्व ही नहीं, वो इतने झूठे और अमर्यादित है कि कहीं भी कुछ भी कह देते। उनके बयान देख लीजिए, एक नहीं अनेक बयान, चौकीदार चोर है, अब कुछ भी कह के भगलो, हर किसी को चोर कह दो। इतने बड़े नेता अपने आप को मानते, कोई शोभा देता है क्या? ये सजा जो उन्होंने कहा है और पूरा देश मानता है कि ये जो अहंकार है ना एक गांधी परिवार के अंदर कि हम तो सर्वश्रेष्ठ हैं, हम किसी को भी कुछ बोल सकते हैं, राजाओं जैसा व्यवहार कर रहे हैं आज भी। लेकिन इस सजा ने सिद्ध कर दिया है कि लोकतंत्र में कानून के ऊपर कोई नहीं है।